बात करें, क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन छोटा सा बेटा, बॉन्ड स्टेशनरी क्वेश्चन पूछा था। राइट टू बुढ़े बात करें, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिशीशन एनर्जी ऑफ बुढ़े बात करें क्या? अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन, चाहे इसको लिखू चाहे इसको लिखू, दोनों बुढ़े बात करें कैसे हैं? डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो अगर बेटा बात करें आपको इसका बॉन्ड डिशीशन एनर्जी लिखना है, मुझे बुढ़े बात करें क्या लिखना है बेटा? बात करें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ अल्फा कार्बन। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को अपन इसे लिख देंगे बेटा, किसकी? अल्फा कार्बन की। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बुढ़े बात करें ऑफ बीटा कार्बन, नहीं समझे? और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेटा बात करें क्या, पूरे बात करें गामा कार्बन। ठीक है, ये मुझे पूरे बात को बताना है। सबसे पहले पूरे बात करें फ्री रेडिकल बनाओ तो सही, अपन फ्री रेडिकल बनाए। अगर बेटा इनके ऊपर मैं किसकी रिएक्शन करा दूं, सोचो बेटा बात करें, अगर इसके ऊपर मैं रिएक्शन कराता हूं किसकी, जल्दी बोलो, सनलाइट की, या दीदी बात करें हाई टेम्परेचर, या बेटा बात करें परोक्साइड, तो आपको पता है होमोलाइसिस होगा। होमोलाइसिस बुढ़े बात कर होने के लिए अगर मैं बेटा बात कर अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन निकालूं, तीन हाइड्रोजन तीन में से बुढ़े दो लिखे रहने दो, एक को बेटा बात कर नीचे लिख दो ताकि उसको हम तोड़ के दिखाएं। ऐसे बेटा बीटा का बुढ़े दो हाइड्रोजन है, एक को वैसे लिखा रहने दो, एक को ही तोड़ के देख लो, क्योंकि जो ऐसा ये निकलेगा वैसे दूसरा निकलेगा। ऐसे बुढ़े बात कर गामा में बुढ़े बात करें इसका उठा लो, इसका उठा लो, इसके ऊपर लिखा है सर ने तो इसका उठा लो दीदी एक हाइड्रोजन। अब अगर बेटा बात करें आप क्या करते हो, इसका दीदी हाइड्रोजन निकालते हो, होमोलाइसिस करते हो, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं समझ पा रहे हो? इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी तो है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्या कंपाउंड बनेगा? CH पूरे बात करें क्या, टू फ्री रेडिकल, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें, CH डबल बॉन्ड क्या आ गया, CH2। ठीक है, ये कंपाउंड है, ये है हमारे पास अल्फा कार्बन का फ्री रेडिकल। बात समझ पा रहे हो? किसका फ्री रेडिकल है बेटा? ये अल्फा कार्बन का फ्री रेडिकल क्या बना, CH2 फ्री।